नमस्कार। अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्किल इंडिया पोर्टल में जाना पड़ेगा और आपको अपनी ट्रेनर आईडी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एप्लीकेंट डैशबोर्ड, ट्रेनर और माय प्रोफाइल। तो आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड में आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है चार ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्च एंड अप्लाई, व्यू बैच, व्यू सर्टिफिकेट और चेंज पासवर्ड। तो आपको पहला जो ऑप्शन है सर्च एंड अप्लाई में जाना है और सर्च एंड अप्लाई में जाते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा और इसमें आपको राइट हैंड में ऊपर आपको दिखाई देंगे तीन ऑप्शन, ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट, व्यू माय बैच और बैक। तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वेस्ट करना है। ट्रेनिंग रिक्वेस्ट क्लिक करोगे तो आपके एक नया पेज खुलेगा और यहाँ दिखाई देगा आपको ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट सबसे ऊपर, और उसके बाद एप्लीकेंट टाइप में आप करेंगे ट्रेनर। उसके बाद आपको भरना पड़ेगा सिलेक्ट सेक्टर, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट सेक्टर करेंगे तो यहाँ पे आप, क्योंकि आप सभी जो ट्रेनर हैं वो आप कारपेंटर जॉब रोल के लिए आप ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिटिंग सेक्टर। तो फर्नीचर एंड फिटिंग आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेलेक्ट जॉब रोल में। तो सेलेक्ट जॉब रोल में आप देख रहे होंगे बहुत से हमारे जॉब रोल हैं, असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनर, कारपेंटर्स, बोर्ड मेकर, ड्राफ्ट पर्सन। तो इसमें से अभी जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है ट्रेनर्स के लिए, कारपेंटर FFS N 2224, कारपेंटर FFS N 2224 version 1 आपको यही सिलेक्ट करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही जॉब रोल की अभी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम होने वाला है। ये से आप ध्यान से सिलेक्ट करना क्योंकि ये कारपेंटर नाम से आपको बहुत से जॉब रोल दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो सिलेक्ट करना है FFS N 2224 यही आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो प्रेफर्ड लोकेशन, तो ये आप जो अपने जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं वहां पे आप उसकी जगह भर सकते हैं। तो जैसे आप कौन से राज्य हैं तो आप यहाँ पे स्टेट भरिए, जैसे मैं दिल्ली का हूँ तो मैंने दिल्ली फिल कर दिया, और डिस्ट्रिक्ट मेरा साउथ दिल्ली है तो मैंने आपका साउथ दिल्ली मैंने इसमें फिट कर दिया। साउथ दिल्ली कहाँ है, हाँ ये रहा आपका साउथ, हाँ ये मेरा साउथ है तो साउथ दिल्ली हो गया। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हालांकि सभी फील्ड आपको भरना जरूरी नहीं है, केवल आपका जो रेड कलर का आपको एस्टिक दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, यही आपका जो डाटा भरना कंपल्सरी है, अदरवाइज बाकी डाटा आपको नहीं भरना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, डाटा भरेंगे, उसके बाद आता है ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। तो ये ऐड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट देखिए, इस तरह का आपका ट्रेनिंग रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह आपको दिखाई देगा, और आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब ये जो रिक्वेस्ट आपने करी है ये हमारे फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल में आ चुकी है ट्रेनिंग रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट जो है हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल इसको अप्रूव करेगा। वो अप्रूव तभी करेगा जब आपका जो है पूरा प्रोफाइल, आपका रिज्यूम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, वो सब चेक करने के बाद ही आपको आपका जो है वो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा। जैसे ही हमारा काउंसिल जो है आपका जो ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है, तो इस तरह का जो ये आपका जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा आपको, अवेटिंग बैच इनरोलमेंट, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो
अभी टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम के लिए अभी लिंक नहीं हुआ है, आपकी केवल फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल से आपकी ट्रेनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। अब आपको जो आपकी जो ये जो रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है, आप उसको ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम के जो बैच है उसके साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आप फिर आप यहाँ जाएंगे, स्टेटस में जो थ्री डॉट है यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाके करेंगे आप सर्च बैच। यही आपको नीचे आएगा सर्च रिजल्ट, क्योंकि तो जो आपने सर्च किया है उसका सर्च का रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक बैच है जिसका बैच आईडी है 2369502, ये बैच आईडी है। और ये जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी डेट क्या है, तो आप देखिए 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और जॉब रोल है हमारा जो आपने सेलेक्ट किया है कारपेंटर FFS N2224, ये हमारा जॉब रोल है। और अब यहाँ पे आपका एक काम और बाकी है कि आप यहाँ जाएंगे एक्शन में थ्री डॉट में, जैसे देखिए ये हाईलाइट हो जाता है तो आप ये हाईलाइट हो चुका है और यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पे है हमारा दो ऑप्शन आते हैं व्यू बैच डिटेल और दूसरा है अप्लाई टू बैच। तो यहाँ पे आप करेंगे अप्लाई टू बैच। ये अप्लाई टू बैच करने के बाद अब यहाँ पे आप करेंगे ये जो बैच है ये आपका जो टीओ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का बैच है, इसके अंदर आप लिंक करना है आपको। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे लिंक रिक्वेस्ट। ये आप देखिए ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है लिंक रिक्वेस्ट। जैसे ही आप इसको लिंक रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है बैच यहाँ आपको मैसेज आ जाएगा, आपका जो ये बैच है ये टीओटी के बैच के साथ लिंक हो चुका है। अभी ये शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ही ये रिक्वेस्ट की हुई है और मेरा जो रिक्वेस्ट है मेरी बैच में अप्रूव भी हो गई है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल फाइनल है और आपका जो है एक ट्रेनर का इस टीओटी बैच के अंदर इनरोलमेंट हो चुका है। इनरोलमेंट करने के बाद ही आप टीओटी बैच के अंदर आप आ सकते हैं। धन्यवाद।